अभी मैं कर रही हूँ अपने चूल्हे वाली किचन को साफ। और अभी मैं सबसे पहले चूल्हे के ऊपर की जो पाइप रहती है, जिससे हमारा जितना भी धुआं है चूल्हे का, सभी वहीं से जाता है। और ये पूरी सर्दी साफ नहीं की गई है और ये जाम हो चुकी है। आप देखिए इसमें कितनी कालक इकट्ठा हो गई है। और जैसे ही मैंने इस पाइप को खोला ना, इसमें एक बैलून की शेप का बिल्कुल ही ब्लॉक हो चुका था, जिससे कि धुआं बाहर नहीं जाता था। तो सबसे पहले मैं इसको साफ कर रही हूँ, और ये मैं कर रही हूँ डंडे की सहायता से। इसको हम ऐसे साफ करते हैं लकड़ी से। अब बारी है खिड़कियां साफ करने की। और ये जो खिड़की है, ये बिल्कुल हमारे चूल्हे के बैक साइड को है। जितना भी हमारे चूल्हे से धुआं निकलता है, वो सब इसमें ट्रैप हो जाता है। और इसके शीशे आपको देख रहे होंगे कितने धुंधले हो गए हैं, बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं धुएं की वजह से। तो मैं इनको भी अच्छे से गर्म पानी के और सर्फ और स्क्रबर की हेल्प से साफ कर लूंगी। शाम का समय, यहाँ पर जली है चूल्हे में आग।
और यहाँ पर दिख रहा होगा एक बड़ा सा पतीला, मैं दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। एक्चुअली इसके अंदर डाला गया है ढेर सारा, बहुत सारा मक्खन, और मक्खनों से निकाला जा रहा है ये देसी पहाड़ी घी। और अब ये देखिए, दिखेगा भी नहीं अभी तो, ये देखिए और हम यहाँ पर ना पहाड़ में व्हाइट घी नहीं निकालते, व्हाइट घी मतलब हम उसको बोलते कच्चा घी, वो नहीं निकालते। कहीं कहीं तो इतना हो जाए तो साइड में रख देते, बट हम इसको खूब पकने देते, खूब पकने देते जब तक ये जो इसके दाने दाने से होते ये ब्राउन ना हो जाए और घी ऊपर को निकल के बिल्कुल क्लियर ना दिखे, क्रिस्प जाके हम उसको निकालते हैं। अभी ये मतलब कि यहाँ पर हाफ एंड आवर और यहाँ पर पकेगा इस पे चूल्हे के ऊपर। और हम मोस्टली घी ना चूल्हे पे ही निकालते हैं, गैस वगैरह हीटर पे नहीं निकालते, इंडक्शन पे नहीं निकालते हम, पहाड़ों में घी चूल्हे पे ही निकालते हैं। चूल्हे पे पका हुआ घी धीमी आंच पे और भी स्वाद बनता है। तो ऐसे बनता है पहाड़ी घी, ये देखिए धीमी आंच पे पकते हुए। अब हमारा घी पक गया है, बिकॉज इससे आ रही है बहुत ही अच्छी खुशबू, मुझे लग रहा है मीलो दूर तक इसकी खुशबू आ रही होगी। पहाड़ी गायों का घी की खुशबू तो दूर तक आती है। ये देखिए ऑलमोस्ट ये सारा पक गया है, देखिए इसका कलर बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक सा लग रहा है ये देखिए। और थोड़ा ये इसमें ही पकेगा क्योंकि पतीला एकदम से कूल डाउन नहीं होगा, तो अब इसको हम इसमें ही रहने देते हैं और चूल्हे से हटा देते हैं। ये पक गया, ये देखिए